नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बरसाना गोवर्धन रोड पर अनियंत्रित होकर जैनर में बस सड़क किनारे गड़े साइनेज यूनिपोल से जा टकराई। घटना में बस चालक समेत आधा दर्जन यात्री चोटिल हो गए। घटना का कारण बस की स्टीयरिंग फेल होना बताया जा रहा है। शुक्रवार दोपहर 11:30 बजे परिवहन निगम की जनरल बस बरसाना से गोवर्धन आ रही थी कि नीमगांव के निकट अचानक बस अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने गड्ढे की तरफ जाने लगी। बस गड्ढे में कूदने से पहले सड़क किनारे गड़े साइनेज बोर्ड के यूनिपोल से टकरा कर रुक गई। घटना में टक्कर जोर से होने से बस चालक समेत आधा दर्जन सवारियां घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। बस में सवार यात्रियों के मुताबिक यह हादसा बस के स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ। अगर बस गड्ढे में गिरकर पलट जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था, मगर साइनेज यूनिपोल ने बड़ी घटना होने से पहले ही बस को रोक लिया। गोवर्धन से हमारे संवाददाता अजय सिसोदिया की रिपोर्ट। नाम भैया आपका? अच्छा, अभी ये जो बस ठुकी है, कैसे ठुकी है, क्या कारण रहा इसके ठुकने का? जल्दी जल्दी गाड़ी का स्टीयरिंग फेल हो गया। अच्छा, लगभग कितनी सवारियां होंगी अंदर? 30-32 सवारी का होता है। किसी के चोट है ना? नहीं, ज़्यादा चोट तो किसी की नहीं, थोड़े बहुत चिला चिली तो हो ही जाती है। किधर की साइड से आ रही थी बस? बरसाने से आ रही है। बरसाने से की तरफ गोवर्धन जा रही है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।